बदलापुर एंड अम्बरनाथ रूट्स के लिए हमने राइडर्स जो क्लब है एक फॉर्म किया हुआ है जिसका नाम है मेटल एलिफेंट्स मोटरसाइकिल क्लब, जिसके चार फाउंडर्स हैं। हम लोग चारों लोनावला राइड पे पहचान हो के हम लोग ने क्लब बनाया और अच्छा एक लिंक बनने के बाद में एक ग्रुप बन गया आज, जिसमें हम लोग के साथ और दो अलग राइडर्स हैं, मतलब करीब छः बाइक होगा और तीन डिजन होंगे। तो लेट्स एंजॉय और आप लोग के लिए व्यू तो देता रहूँगा। आज हमारा इंट्रो राइड है AMC का, हम लोग का मेटल एलिफेंट्स मोटरसाइकिल क्लब का शॉर्ट फॉर्म है AMC, उसका हैशटैग होगा मेटल एलिफेंट्स मोटरसाइकिल क्लब। तो आज पहला मीटिंग पॉइंट हम लोग का पाटिल पेट्रोल पंप है जो बेलोली में बदलापुर में है, वहाँ पे सब लोग आएंगे, खास से हम लोग फिर के बारे में डालते हैं। तो चलो एंजॉय कर लो और आगे आपके लिए मार्शल घाट जा रहे हैं, हम लोग मार्शल घाट में जैसे लोगो रिवील करने वाले हैं, आपके लिए एक अच्छा व्यू सब कुछ प्रोवाइड करूँगा।
हमारे क्लब का जो नाम है वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था काफ़ी पहले, उसका लोगो का कुछ काम बाकी था इसलिए वो पेंडिंग था। तो आज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर लोगो व्हिच वी हैव डिसाइडेड सो इट विल लुक लाइक दिस। सो दिस इज आवर लोगो एंड इट मीन्स एज मेटल एलिफेंट्स एज आवर बाइक डिस्क्राइब इटसेल्फ। और हमारे यहाँ पे एज पर डिस्कशन वी हैव फोर कमेटी मेंबर्स विच इज शैजू, जीजो एंड हर्षल एंड यश। सो दे आर लाइक दे हैव देयर ओन रूल्स एंड दे आर हैविंग देयर ओन मीटिंग। सो आई गिव जीजो टू टेल व्हाट दे डू। अभी इन्होंने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया पूजा में बात किया, बोले यार कुछ ग्रुप बनाओ, कोई कांटेक्ट करो, एक राइड रखो। एक ग्रुप था, मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप थे। तो एनीवे ग्रुप बन गया, तो हम लोग चार जन लोनावाला राइड गया। लोनावाला राइड आने के बाद में हर्षल बोला यार अपना बदलापुर का क्लब बन गया। तो बदलापुर बोला कि बदलापुर में इतना राइडर नहीं है जितना अपने को चाहिए। मेरे नोट में बदलापुर और अम्बरनाथ लगा, तो मैंने अम्बरनाथ उन्होंने बदलापुर अम्बरनाथ किया। उसके बाद नाम का तो भाई साहब ने नाम दिया, तो नाम का मीनिंग अभी सबको समझ में आया रहेगा। हाथी अपना ही ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप खाली रॉयल एनफील्ड के लिए, इसमें हिमालयन खाली नहीं है, कोई भी रॉयल एनफील्ड वाले ले लिया अपन बदलापुर प्रोवाइडेड बदलापुर एंड अम्बरनाथ के नियर बाई करें। ताकि क्या होता है एक्सपेंड होता है तो बाद में अपन लिखेंगे। प्रोवाइडेड इसके लिए बोल रहा है कि ताकि किसी को राइड करना रहे तो ग्रुप का नंबर नजदीक रहेगा, तो क्या साइकिल जो बना हुआ है वो उसका प्योर फॉर राइड। हाँ, इसमें हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कुछ कमर चलेगा या उसको कुछ बहुत बड़ा आइडेंटिटी बनाना है, जस्ट अ प्योर इंटेंशन। दूसरा बात वो कमर्शियल नहीं है, इसमें 100% अपना बाकी क्लब्स का जितना मैंने सुना है राइड के पहले पैसा ले लेते अपने को, वो नहीं कर रहा है जो रजिस्ट्रेशन करो फिर आप पहले पे कर लो। नहीं अपना ऐसा कुछ नहीं, अपना फंडा ऐसा रहेगा कि अपन राइड का जो खत्म होएगा उसके बाद में टोटल करेगा डिवाइड करेगा। और उसमें एक छोटा सा प्लान ऐसा है कि छोटा सा अमाउंट 50 या 100 rupees ऐड करेंगे, वो क्यों है वो आगे बढ़े। दूसरा बात ग्रुप का रूल्स, रूल ये है कि पहला कोई भी मेंबर को अपन सब लोग इनवाइट कर सकते हैं। गेस्ट ग्रुप में 50-100 मेंबर भी चले गेस्ट ग्रुप, बट मेन ग्रुप में आने के लिए मिनिमम 2 राइड मिनिमम। आज के इसको राइड में नहीं पता, दिस इज नॉर्मल इंट्रो राइड इंट्रो। आगे से जो भी राइड होगा 2 राइड मिनिमम करना है, तो उसके बाद वी विल बी टेकन टू गेस्ट आफ्टर मेन ग्रुप। फर्स्ट राइड में भी 4 मेंबर जिसने वो लाया है उसके साथ डिस्कस करके फिर बाकी ग्रुप में उसे आगे राइड में इन्वाइट करना है। बेसिकली हम लोग बट ये क्या है कि इसमें फाइनलिस्ट भी आती है, तो यू नो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट, मतलब प्राइवेसी को हर्ट नहीं हो रहा है इसका भैया। दूसरा बात हमारे पनीर एक बहुत कम पड़ रहा है दोनों को भी तक। अच्छा दूसरा बात ये राइड का मेन ग्रुप में आने के बाद में ऐसा नहीं है कि मेन ग्रुप में डाल दिया, ये क्यों अभी बता रहा है, ये अभी सबको रूल्स ज्वाइनिंग के टाइम बताने वाला है। राइड ग्रुप में आ गया बाद में ग्रुप में खाली मेंबर बन के पड़ा है राइड नहीं कर रहा। वी विल वेट फॉर 3 राइड्स, थर्ड राइड मतलब अभी समझ ले 3 राइड कंप्लीट हो गया और जो मेन ग्रुप में आया हुआ बंदा आया नहीं सर, मैं भी रह, तो हम लोग एलिजिबल नहीं है उसका मेन ग्रुप में रहने का, हम लोग को उठा के गेस्ट ग्रुप में डाल दिया। क्यों? ताकि वो राइड में जितना लोग रहे, वो ग्रुप में जितना लोग रहे, भले 20 लोग रहने थे, वो 20 लोग एक्टिव रहना चाहिए
तो 20 लोग में से जब भी राइड को निकले कम से कम 15 जने, 20 जने तो 15 जन तो कम से कम राइड के लिए आए। कंटिन्यू टीम राइड कंपलसरी, राइडिंग गियर्स ये सब जो चीज़ है ये कंपलसरी है। राइडिंग गियर में जैकेट नहीं है तो वी हैव ऑप्शन एज एल्बोस और नी पैड्स कंपलसरी, बेसिक गियर बेसिक। अगर और हेलमेट के बिना तो ग्रुप में नहीं लेंगे। दूसरा बात, ऐसा लोग आएगा कि अभी मेरे पास जैकेट नहीं है, एग्री, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स लेना जरूरी है। उसके बाद अगर समझ ऐसा होता है कि नहीं यार मेरे पास नहीं है गार्ड्स नहीं है, तो उस केस में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि क्लब विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द डैमेज, क्योंकि क्लब का लाइबिलिटी नहीं है। अगर गियर वियर पहना तो हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि उसका जो भी हो, मतलब हमारा लाइबिलिटी मिनिमाइज करने के लिए हम लोग सेफ्टी गार्ड्स के पीछे ये कर रहे हैं। बूट्स इज रेकमेंडेड, लेकिन अभी बूट्स सब लोगों के पास नहीं है, तो बूट्स भी इन जनरल हल्लू इन फ्यूचर तो लोग ले सकते। बट एवरी राइड पे डिक्लेरेशन इज नॉट गुड, क्योंकि क्या होता है सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी होते हैं इनसे खुदी करना बेटर रहता है। वो ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे बर्डन आ जाए, सब लोग अंजाम में उसमें जा रहे हैं, तो कुछ हो गया आगे बाकी लोग है कवर कर रहे हैं, बट जैसे ज़्यादा जितना हो गया उतना कम बेटर रहता है। अच्छा ये लगता है अभी शायद हमारा ये पहला आइडिया है, पता नहीं कोई करता रहेगा अपने आइडिया में। हर राइड को एक स्पेशल बैच, जैसे ये मेटल बैच है, ऐसा एक एक राइड का एक एक बैच बनेगा, जो जो राइड अचीव करेगा उसको एक एक बैच मिलेगा। लेकिन वो बैच हम लोग एडवांस में नहीं बना के रखे, क्योंकि अपने पास फंड ऐसा लेके नहीं रखा है कि अपन बना पाए। ये आज का राइड कंप्लीट हो गया, इंट्रो राइड है, इंट्रो राइड का बैच बनेगा। इंट्रो राइड में अभी जितना लोग था सबको एक एक बैच मिलेगा, ठीक है। वो बैच नेक्स्ट राइड पर हम लोग प्रोवाइड, नेक्स्ट राइड कम्प्लीट होने का थर्ड राइड पर देख, ये नहीं है कि वो बंदा तीन राइड पे नहीं आया तो उसको बैच नहीं मिलेगा, ऐसा बैच मिलेगा। तो जो राइड पे आएगा वो राइड पे उसको बैच देगा, जितना लोग रहेगा उतना ही बैच बनाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ये एक रहेगा। दूसरा इन फ्यूचर वेबसाइट बनेगा और उस भाई साहब करने वाला है, तो उसके अंदर हर राइडर का फोटो रहेगा और कितना राइड वो कर चुका है उसका अचीवमेंट वहाँ पर डाला जाएगा। बेसिक सिंपल और ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओवरटेक नहीं करना है। स्टार्ट क्या बोलते हैं, जो हेड रहेगा और टेन रहेगा उसके बीच में जैसा आज अपन आए वही सीरीज में मेंटेन करेंगे, क्योंकि क्या होता है रहेगा वो अभी मेरे को पता है मेरे पीछे फजल का, तो मैं अगर फजल का गैप गिर गया तो मैं रुक जाएगा, तो मेरे को मालूम है पीछे वाला किधर ट्रकता है, तो वो एक सेफ्टी मेजर्स पे फ़ायदा पड़ेगा। अभी वो आगे पीछे उधर है ना मालूम नहीं पड़ेगा, अरे फजल किधर है, यश किधर है, शाइजू किधर है, अपने को समझ में नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ के हिसाब से वो रूल है, बाकी कुछ नहीं, बाकी हार्ड एंड फास्ट रूल्स कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन मिसबिहेव या गाड़ी दारू पी के चलाया ऐसा कोई रूल रहेगा तो सीधा क्लब से काटा पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है ना अपने को राइड हेल्पर करना, इन फ्यूचर अपने को तो करना नहीं पड़ता। बहुत बड़ा ग्रुप करेगा राइड कंप्लीट नहीं होगा, बहुत छोटा ग्रुप रहेगा मजा आएगा, 20-25 कैन भी मैनेज होगा उसके हिसाब से। और कुछ बोल रहे हैं इसके अलावा? और एक चीज़ हम लोग ने कुछ सोचा, वो हमारा फर्स्ट राइड के बाद हम लोग ने ऐसा एक चीज़ चाहिए करके ऐसा रिक्वायरमेंट आया, हम लोग जाने के टाइम गाड़ी पंचर हो, हमारा कवरेज करीब 1.5-2 घंटा बर्बाद हो गया। 4:50 को हम लोग पंचर वाले के पास गया, 6:30 को गाड़ी वापस, तो ऐसा सब सिचुएशन आता है। तो हम लोगों ने उस दिन डिसाइड ऐसा किया, महीने में या 3 महीने में कभी तो एक बार एक ट्रेनिंग, मैकेनिकल ट्रेनिंग, मतलब गाड़ी लेके अपन जा रहे हैं क्या क्या नेसेसिटीज़ अपने को चेक करना है। दूसरा बात, गाड़ी पंचर हो गया तो पंचर वाले को ढूंढने को जाओ, टायर खुलवाओ नहीं, अपन खुद निकाल के जाके ला के रिफिट करें। छोटा मोटा गाड़ी मिसिंग मार रहा है ऐसे सब जो भी प्रॉब्लम आता है, वो टाइम में जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग अपने को गाड़ी में अपन देगा, ऐसा ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमको या कोई भी रॉयल एनफील्ड शोरूम सपोर्ट करेगा तो हम लोग उनको बोलेगा हमको एक ट्रेनिंग सेशन, तो ये भी
अभी ऑलवेज ओपन आ रहा है, पॉसिबिलिटी से कर देंगे। अभी कैसा हर टाइम पे कोई बंद रखना, ये चीज़ के लिए पर्टिकुलरली एक राइड लेके जाना ही है, बिकॉज सबसे पहला है कि क्लब एक्टिव करना है। कंटिन्यू राइड चलेगी तब वो एक्टिव लेवल पे जब आएगा तब फिर अपन वो सब सोच सकते हैं। ऐसे ब्रांड नहीं लेके तो अपना कैसा, अभी सब सैलरीड है, बिजनेस वाले है, चल रहा है अपना एक मंथ का एटलीस्ट एक दिन निकलो ग्रुप में, बस एक रिफ्रेशमेंट के लिए, वो हिसाब से ही रहा है ग्रुप नहीं। भले देखो कुछ भी हुआ समझो, अभी ऐसा टाइम रहता कि किसी को छुट्टी नहीं मिलती, एक संडे का एक हल्का ब्रेकफास्ट राइड तो भले करके आएंगे ताकि वो सबको एक्टिव रखने के लिए, कुछ नहीं खाली किया हुआ है, खाली मुलगांव तक आके वापस भले चले जाएंगे, लेकिन वो एक एक्सरसाइज के जैसा फॉलो हो रहा है।